तो अलग विधानसभा भवन बनाने को लेकर बोले भूपेंद्र हुड्डा, अलग विधानसभा भवन बनाने से चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा कमजोर होगा, ये उनके ओर से कहा गया है। सरकार को हाईकोर्ट की तर्ज पर विधानसभा का विस्तार करना चाहिए था। पंजाब चंडीगढ़ पर दावा करता है तो पहले हिंदी भाषी गांव को हरियाणा को वापस लौटाए, 40% हिस्सेदारी चंडीगढ़ पर हरियाणा की ही उसका हिसाब करे। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि जो आज विधानसभा है उसको ही एक्सटेंड करना चाहिए। जब हाईकोर्ट एक्सटेंड हो सकता है तो विधानसभा क्यों नहीं एक्सटेंड हो सकती। और बताते हैं कीमत आकी गई है जी 10 एकड़ की, मेरे ख्याल में 400 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़। तो भाई मेरा ये कहना, अगर 500 करोड़ पे हरियाणा सरकार को 10 एकड़ की जमीन के लिए देना है तो चंडीगढ़ में जितनी जमीन है उसका 40% उसके हिसाब से लगा लो। हमारे तो हम राजधानी बुला लेंगे, लाखों करोड़ आएगा, लाखों करोड़ में हम राजधानी बना लेंगे। ऐसे ऐसे मतलब ये थोड़ा एक भाई आज अपना जो हक जो है हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र दो और 40% के पैसे दे दो हमारे, इसी रेट से जो रेट हमारे को दे रहे हैं अब विधानसभा के लिए, इसी रेट से जो हमारा 40% क्षेत्र है पूरे चंडीगढ़ का, उसका 40% हमारा हक है, हमारा है, और 60% पंजाब का है जो पहले बंटवारा हुआ उसके हिसाब से।